यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलसीएस ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा है, लेकिन नर्वस को छोड़ो। अभी तो अभी आप लोग हम कहाँ लेके जाने वाला, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया है, तो चकसम की ओर लेके जाएगा। तो अभी हमें मेरा क्या बोलते रहे बाइक में सामान लोग पैक कर दिया है, हम और लमसन जा रहे हैं। तो लमसन में अभी थोड़ा काम से किया है, देख सकते। तो लमसन आ गया, लमसन हेलो गाइस, आई एम बैक। हमने कहा ओके, चलो सबसे पहले कैश की बात। सच में तो जगह रे ऊपर से देख सकते कितना मस्त व्यू लग रहा है। तो गाइस फाइनली गैरेज पहुंच गए हैं, थोड़ा चेंज में टाइट करके निकलते हैं। तो गाइस बाइक का चेंज टाइट करते हैं। इसका ये गैरेज अपना मालिक का है, अपना हम लोग का ही दोस्त का है, तो आप लोग यहाँ आके अपना बाइक वाइक बना सकते था। हमें अभी तक ये गैरेज का नाम नहीं दिया, लेकिन ये चंग क्या बोलते हैं इसको, चंगबू ना, चंगबू में देख सकते हो। अभी जाओ जानते हो तो उनके लोगों तो चलो गाइस अभी हो गया, बढ़िया हो गया। अभी चेन वेन लुक तो अभी निकलते हैं चकसम की ओर। ये गैरेज का ओनर आ चुका है मिस्टर मालिक, और ये मैकेनिक मालिक कुछ कहना चाहते हैं अपना गैरेज के बारे में? तो गाइस क्या चाहिएगा, अब आइए एकदम बना के दे देगा। अच्छा थोड़ा डिस्काउंट दे देगा ना, 10% डिस्काउंट? 10% तो नहीं है, आप लोग एक काम जैसे करेगा वैसे काम पर डिस्काउंट देके देगा। अच्छा मज़ा तो गाइस तवांग का हाईवे से हम लोग को यहाँ से नीचे, यहाँ से लेफ्ट लेना है हम लोग को। इसको यहाँ से लेफ्ट लेगा तो हम लोग पहुँचेगा बोम मंदिर। तो गाइस अभी हम लोग बोम मंदिर पहुँच चुका है, फिर बोम मंदिर से जाना है हम लोग को, यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है। ये है बोम मंदिर बाजार, हमने बहुत पर देखा है आप लोग को। तो चलो अभी इससे जाने में हमको बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि साइड में जो फन लुक है उसको वजह से बहुत ही मज़ा लगता है हमको। तो गाइस चकसम जाने के लिए अभी फिर यहाँ से नीचे राइट लेना है, उसके बाद हम लोग कितनी विलेज पहुँचेगा, मतलब ये जो 0 पॉइंट है कि ना, आ जाए ये 0 पॉइंट है ना, ये जो 0 पॉइंट कहते हैं जगह को, तो यहाँ से नीचे जाना है हम लोग को। तो गाइस अभी हम लोग कितनी एंट्री हो चुके हैं, कितनी का उसको ऊपर में था इसका, यहाँ हम दुकान लोग यहाँ में है, तो उसको ले गए क्या पता ना। तो ये कितनी का मार्केट, दो तीन दुकान है, उसके बाद ये बस्ती है। चलो आप लोग बस्ती के अंदर से थोड़ा सा लेके चलते हैं, थोड़ा स्पीड में दिखा देगा आप लोगों
चौक शनडुप विलेज है ये, बहुत ही सुंदर है, माना जाता है हम लोग गाँव में। माना मतलब एक्चुअली जब यहाँ में पूरा धान वान होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है, एल्बम एल्बम यहीं ज़्यादातर शूटिंग होता है उस तरफ रोड में। तो लेकिन हम लोग को उस साइड नहीं जाना है आज, आज हम लोग को अल्पा जंक्शन पर जाना है। तो यहाँ से एक तिनाली मिलेगा ये आगे से, यहाँ में ये देख सकते मेन तिनाली है, हम लोग को जाना है लाइफ। यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर समथिंग ही होता होगा जंक्शन की ओर। चलो, और एक बात दोस्तों, ये पार्ट बहुत ही बढ़िया लगता है जंगल का बीच से, चारों दोनों तरफ से जब लकड़ी होता है और मिट्टी से हम बाइक चला कर जाते हो, बहुत ही मस्त फील होता है। तो वैसे हम एक जहाँ में रुका है, हम लोग फोटो शूट कर रहे, देख सकते हैं रामसरिंग को। और गाइस ये चकसम पहुँचने से पहले एक छोटा सा विलेज है यहाँ में, पता नहीं विलेज का नाम क्या है, क्या है ये विलेज का नाम, बोंग बोंग चकसम कुछ किया है नाम जो ये बस का। बाइक को यहीं कहीं छोड़ना पड़ता हो, हम पहले ये रास्ता में पहुँचा है लेकिन चकसम साइड कभी नहीं किया, इसलिए आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से पैदल जाना है लगता है हम। कहाँ से? ओ उधर से, तो चलो वापस चलो, हम जो ना आ गया ये कहाँ से, उधर से क्या? उधर से हाँ, तो हम दोनों ने चले जल्दबाजी करके आ गया ये सर। तो अभी हम दोनों ज़्यादा आगे चला गया था, तो अभी यहाँ से जाने के लिए है रास्ता, तो लेकिन हम दोनों जो गधा जैसे उस तरफ चला गया था क्योंकि वहाँ से सामने लग रहा था, यहाँ तरफ से रास्ता है जैसे नहीं लगा। कभी कभी होता है बातों बातों में हम सब खो जाते हैं है कि नहीं लमसरे ओ भाई ओ स्टिल। और ये ब्रिज का कहानी जो इस तरह से है कि जो पहले के हम लोग का मासंग कहते हैं आदमी लोग को, जो बहुत ही ताकतवर होते थे, उसने ये एक अकेला ने लुआ से क्या बोलते थे अपना हाथ से वो लुआ को तेरा करके, यहाँ में कुछ कुछ लुआ है, वो लुआ से वो लोग ने क्या बोलते ये ब्रिज को बनाया, और फिर लुआ को अपना हाथ से ताकत लगा के, तो अभी ये ब्रिज तो बनने लगते देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्रिज क्यों बन गया ये भी हमने सुना था, क्योंकि यहाँ के जो आपको आदमी लोग होते हैं यहाँ के लुआ को छोड़ करके ले जाते बोल के, इस कारण से यहाँ में वो हुआ है, इसको गेट को बंद करके रखा है। देख सकते गाइस गेट बंद है, लॉक भी इतना खतरनाक से दिया है, वो खुल रहा तो ये लेकिन मैथिली वो ये थोड़ी है ना लॉक, ये तो ब्रिज का दिया है क्या ना, बहुत तरह से ब्रिज का दिया है लाम। आओ अरे जाओ तो यहाँ से जा कर दिए, देख सकते गाइस थोड़ा रिक्स लेते हैं बाबा, ये ब्रिज बहुत साल पुराना है गाइस, कम से कम 100 साल या 200 साल पुराना का ब्रिज है ये। देख सकते आप लोग कुछ इस तरह का है दोस्त,
और हम सोच रहे कि ये ब्रिज पे चढ़ जाऊँ यार, यहाँ से घुस तो जगह लगता है, लेकिन निकल है क्या शायद निकल नहीं से, मैं घुस जाऊँगा यार, एक बार देखता हूँ उसका घुसते हैं यार। ओ उसके एक फोटो तो लेना बनता है यार। और नया ब्रिज तो वहाँ से नहीं तो यहाँ से ही जाता था आदमी लोग, और हम सिर्फ वहाँ पहुँच गया, देखा ही नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। Boom, 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 boom. हमको ये जरसम के बारे में इतना मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते रहे, मुझसे कुछ गलती हो जाती तो खराब मत बना ली। बहुत दिन का व्लॉग कर रहे तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरा फोन खराब हो गया था तो इसके बाद हम वीडियो में उसमें एडिट करता हूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो आप तक से। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगने से लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, खास करके आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट की वजह से हमको बहुत ही अच्छा लगता है और भी करने का मन होता है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस अभी जस्ट मेरा मेमोरी फुल हो गया था, तो मेमोरी चेंज कर रहा था और अभी सोच रहा हूँ यहाँ से घुसूँ। क्या हम जी वहां से दो लोग जा रहे हो, बोलो कुछ ना कहा हमें। हाँ ये तेरा लुआ क्यों? ना ये लुआ जो शायद तेरा करके उल्लू से किया होगा, नहीं आ जाओ वेल्डिंग दिया जैसे लग रहा हम दे दो ना पहले कहे लगा है क्या तेरा किया उसने? वो तो यहाँ तो ही नहीं ना तेरा किया, शायद यही होता हो। खराब डर लगी जैसे रे, शायद यही लुआ है लगता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि यहाँ में अलग कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, अलग लुआ तो यही लुआ होता होगा। Cool man. Yo man, cool man, chat kete man. Ujala. Aha. तो वहां में कुछ था ना, वो आपको दिखाएगा। देखो। यही लुआ होता हो ना यार, पूरा अंधेरा है इसका। और यहाँ भी कुछ दिखा है, द्रुपदप थंगतोंग गेल्पो और चंगसम वंगपो वाज बोर्न इन 1361 AD इन टिबेट राइट 1485। ओह बहुत साल पुराना है तो 1361 1485 को मैं गुजरा बोलते हैं, देख सकते आप लोग 1361 AD। ओह मैन, तो आप लोग ने वहाँ लिखा वाला मैं आप लोग समझ गया होगा कि उसने ये ब्रिज बनाने का इसलिए उसको माना जाता है, उसे आयरन ब्रिज बनाने में माना जाता है। तो ये था जसम का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और यहाँ हम क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे बोले, सबको नहीं लग रहा मेरा वही सबको पहुँचता है।
और तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तो अभी हम लोग का नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है जंग में, तो अभी हम लोग यहाँ से जंग जाएगा तो वहाँ स्टे भी करेगा, हम लोग इंटेटमेंट सब कुछ लेके आया है। तो चलो अभी यहाँ पर ये ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलते हैं। Maybach music. Did anybody out there, yeah.